मुजफ्फरपुर में एक मौलवी और एक अन्य युवक द्वारा रेप की शिकार बनी बिन ब्याही मां से बिहार राज्य महिला आयोग की टीम मिलने पहुंची। आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा पीड़ित से मिलने उसके घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पीड़िता और ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं इस मामले में दिलमणि मिश्रा ने आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ पीड़िता की सुरक्षा का आश्वासन दिया। यहाँ आने के बाद लड़की से बात करने के बाद बहुत दुख हुआ कि लड़की जाती थी मस्जिद में पढ़ने के लिए, मौलाना बुलाता था, इससे पानी मांगा। अब पानी लेने गई, लेके आई तले मौलाना दरवाजा बंद कर लिया, एक शीशी में कुछ रखा था वो इसको शीशी पानी में डाल दिया, आई बेहोश हो गई। इसके साथ गलत किया, ये लड़की को होश आया तो अपना चिल्लाई उलाई जो कही होगी कही, तो मौलाना इसको इतना डरवाया कि यदि परिवार को अपने किसी से कह दोगी, किसी से भी तुम कह दोगी तुम्हारा परिवार को भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। ये लड़की 4 महीना इसके साथ शोषण किया, वो मौलाना एक और लड़का था, समझे। 5 महीना 5.5 महीना के बाद ये लड़की को परिवार को कुछ बुझाया कि काहे ऐसे हुआ, तो उसको पता चला कि बच्चा है पेट में, तो बताई वो लोग पूछा तो बताई, तो महिला थाना गई केस दर्ज करने। महिला थाना 5 महीना देखिए आज बच्चा भी हो गया, महिला थाना ये एक बार भी सुधने इस लड़की के नहीं आई, कल आई है। जब जानी है कि महिला अध्यक्ष आ रही हैं तब महिला थाना आई है और इसे उल्टे पूछ रही है कि गवाह लाओ तब तुम्हारा हम केस एथी करेंगे, दर्ज करेंगे, उस जो दोषी उस पर कार्रवाई करेंगे। किस बात की गवाही, दुष्कर्म? हाँ, अब बताइए जो बच्चा सामने दिख रहा है अब दूसरा गवाही क्या होगा? गवाही उसके कौन देगा जब गांव के लोग इसके विरोध में है, उसके घर पर ढेला ईंटा मार रहे हैं, इसको गांव से निकाल रहे हैं, उसका बच्चा बेचने के लिए कह रहे हैं, मौलवी है उसको गांव से भगा दिया। लोग बताइए गांव के लोग कैसा है, गांव के लोग तो चाहिए कि मौलवी को पकड़ के जेल भेजे चाहे मार दे, ऐसा मौलवी ऐसा पुजारी कहे के। जो हुई उसको भी आप मान रहे हैं, आयोग गंभीर मामला है ये? बहुत गंभीर मामला, एक गलत बात है। जो दोषी है उसको सजा होना चाहिए, जो गांव के एक लड़का है उसको पकड़ना चाहिए, उसको प्रताड़ित करना चाहिए, ना कि वो लड़की को इस केस में डीएसपी ने सुपरविजन किया और मौलाना को सस्पेक्टेड बताया, क्या लगता है पुलिस मैनेज भी? देखिए हम तो अभी जाते हैं एसपी से बात करेंगे, क्या मामला है सारी बात हम लड़की से पूछ लिए हैं। पुलिस प्रशासन बहुत लापरवाही इसमें किया है, इसमें कोई दुमत नहीं है, महिला थाना तो बहुत लापरवाही किया है, कुछ कार्रवाई नहीं किया है। अब लड़की कहाँ से गवाही लगाए, जो कि गांव के लोग ही उसके विरोध में हैं। अभी लोग डरे सहमे हुए हैं, अभी जा रहे हैं एसपी से बैठ के बात करेंगे और तुरंत इसको सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। उसके बाद इस लड़की के साथ जो भी गलत किया है उसको तो कड़ी से कड़ी सजा होगा, कोई बचने वाला नहीं। वही मासूम लड़की ने कहा कि गांव में रहने वाले मौलवी और एक अन्य युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने मासूम को बिन ब्याही मां बना दिया और आरोपी पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए कई दिनों तक घिनौनी करतूत करता रहा। सब घर 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 महीने महीने खाना जाता है, हमारे लास्ट में खाना था 9 बजे, तो कह रहा था खाना रख दिया सर एक घूम गए, कह रहा था पानी लाए गया, पानी लाए तो तब कह रहा था कि बोलो रखो, हम तो अब छुप गया कि रस हमको नहीं चलो, तो पानी रख दिया, तब कह रहा था कि हल सले के मारी बंद कर, पानी बंद करके तब कहा था हमसे एक गिलास इतने का शीशी नहीं होता है वो घोल के हमको किया, हमको बलात्कार किया। घर के लोगों को ये चीज की जानकारी नहीं दी थी? कसम, माँ बाप को कसम खिला दे कि तुम नहीं कहो, किसी का जानकारी नहीं होना चाहिए। अभी आप पुलिस के पास गए थे, पुलिस का क्या रवैया रहा इस पूरे कहानी में? पुलिस क्या सहयोग कर रही है आपकी, नहीं कर रही है, क्या मामला? पुलिस के यहाँ कंप्लेन करने के लिए गए थे, क्या पुलिस ने मदद किया आपके? नहीं, समाज समझ नहीं करता है, कर रहा है मदद कर दीजिए, नहीं सब हट रहा है सब। अब समाज के लोग क्या कहते हैं, समाज के द्वारा कुछ दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया कि बच्चे लोग वाली हटाने के लिए, तभी हराना पाक बच्चा है हटाने के लिए कर रहे समाज। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं रख लेंगे बच्चे को। 9 बजे खाना लेकर गए तो हम कहे हमारा तबीयत कुछ खराब था तो उसको लड़की को भेजे, हम क्या करेंगे इसे लड़की का ऐसा हाल करेगा, वो लड़की भी नहीं जानी, तो उसको क्या समझ में आया कि जैसे हमारी लड़की तैसे पैराई की लड़की होती है, वो तो बच्चा को अपने बेटी ले तो समझते लोग,
तो वो बात नहीं समझा, गया तल के लड़की टिफिन रख दो घर में और रख कर तुम एक गिलास पानी लाओ, तो गए टेबल पर से पानी लाने के लिए, जाले आए तो देखे कि पानी लाने गए तो वहाँ पर खड़े हुए थे, जब पानी से लेकर उस घोड़ी जो हमारे रखने के लिए जाके अंदर में तो देखे छिप गया, जैसे रखे गया ब्रिंज पे अंदर ब्रिंज रखे हुए थे तो वहाँ पर रखे गए, झड़ से केवारी लगा दिया, एक गिलास में सादा पानी में छोटी शीशी में पानी घोल कर उसको पिया दिया, वो लड़की मतला के चौकी पर मतला के सो गए। अब क्या किया नहीं किया लड़की का ईमान जाने, वो मौलवी साहब जाने, वो बात हमारे लड़की नहीं समझ में आया उसको, जब कैसे का किया वो नहीं जानते हैं, लड़की नहीं पहचाने। आपको कब पता चला कि पता ऐसा चला ऐसा? हमारे 2-3 महीना का इस लड़की का ऐसे साथ किया जनवरी से फरवरी तक, तो फरवरी में समझिए 8 फरवरी का ही चली गए, मतलब दूसरे नानी कने चली गए, वो लड़की नहीं हमारे बता सके, उसको कसम खिला के उसको धमका दिया, वो लड़की फिर उसको सिखा दिया कि तुम दूसरा गाँव चली जाना, तुम यहाँ नहीं रहना, तुमके माँ के पता चल जाएगा। जब कोई सही उसको प्रूफ नहीं मिला, एक हफ्ता हो गया पंचित बैठा है 4-4 दिन में, तो कोई इंसाफ नहीं सर मिला, तो के बाद हमारा पति जो उसका गुस्सा आया कि क्या बात है, लड़की को मारा धक्काया कि क्या बात है, आगे कोई और बात है कि समाज कुछ नहीं बोल रहा है, तो लड़की मारू उड़ गई, तब गुस्सा से किया कर हमारे के डर से कि हमारे बाप मौलवी साहब हमारे साथ ऐसे किया, वो लड़का हमारा पति जाकर चला गया बंगला थाना केस करने के लिए, तो पहले मुलजी का नाम धरा तब लड़का का नाम धरा। अच्छा, आपकी बेटी के अलावा गांव की किसी और लड़की के साथ भी इस तरह की घटना किए हैं क्या? करे हैं सर, तो हम उसका बात के छिपा दिया गया, कोई नहीं इसका इंसाफ नहीं कर रहा। जब दो घटना के काफी समय बाद तक मामले को दबाए रखा जाना क्या लगता? दबा करता है कि बलू मौलवी साहब का निर्दोष बता रहा है कि एक लड़का वही लड़के पर है, तो मौलवी का निर्दोष खत्म करो, नहीं रखना बात के है, कोई गवाही नहीं देगा। समाज के लोग पंचायत में बैठे थे, बच्चा बेचने की बात कही, क्या मामला है जी? कहा कि 20,000 में चाहे जैसे भी हो, जितना जो आपको पैसा मतलब मिलेगा वो बच्चा को हटा दो, कहे तो पूरा मतलब नपाक पूरा गांव घिरा हुआ है, आप कोई बच्चा के खातिर पूरा मतलब प्रस्ताव कर रहा है, रोजी रोजगार सब कर रहा है, इसे हटा दो बच्चा को। सोएब के साथ शादी का भी कोई बातचीत था? शादी के सोएब किया कि अगर लड़की बोली कि हमारे बच्चा जब पेट में होगा तो उसका क्या करेंगे, तो कहा को हमारा शादी हो भी जाएगा तो तुमको हम जिम्मा उठा लेंगे, शादी हम करो, उसे भी लड़की हमारी पसंद नहीं है, हम शादी हम तुम्हें से करेंगे, तुम माँ को नहीं बताना, तुम्हें शादी हम तुमको कर लेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले 15 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसे एक मौलवी और एक युवक ने अंजाम दिया था। इसके बाद दरिंदों ने उसे बिन ब्याही मां भी बना दिया। मासूम के साथ इतनी बड़ी घटना के बाद ग्रामीणों ने उसके जख्मों पर नमक छिड़कने उसके दुधमुहे बच्चे को 20,000 में बेचने की कोशिश भी की। इसके बाद परिजनों ने महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन अभी तक आरोपी मौलवी और अन्य युवक मोहम्मद शोएब की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।